नमस्कार दोस्तों, करियर सनेडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मोटिवेशनल और करियर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो में हम डायलिसिस तकनीशियन के बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने इस चैनल पर पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस की लिंक दे दी है, वहां से आप देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायलिसिस क्या है, डायलिसिस तकनीशियन क्या है, डायलिसिस तकनीशियन बनने के लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, फीस कितनी लगेगी और जॉब करते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना आपका टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायलिसिस क्या है और डायलिसिस तकनीशियन किसको कहते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी की सिस्टम भगवान ने ऐसी बनाई है कि हमारी बॉडी में और खून में जो भी वेस्ट और कचरा रहता है वो समय समय पर मूत्र मार्ग से अपने आप निकलता रहता है, जिसमें किडनी की मुख्य भूमिका होती है। किडनी हमारी बॉडी में फिल्टर की तरह काम करती है जो बॉडी वेस्ट को अलग करती है और निकालती है। कई बार बढ़ती एज के चलते या फिर बीमारी के चलते कई लोगों की किडनी खराब हो जाती है, जिससे बॉडी वेस्ट बाहर नहीं निकल पाता और बॉडी में ही रहता है, जिसको निकालना जरूरी है। तो उस बॉडी वेस्ट को निकालने के लिए डायलिसिस एक आर्टिफिशियल तरीका है, जिसमें डॉक्टर के पास जाके मशीनों की मदद से हम अपना बॉडी वेस्ट निकाल सकते हैं, जिसको डायलिसिस प्रोसेस कहा जाता है। और डायलिसिस प्रोसेस में उपयोग में लिए जाने वाले मशीनों की देखभाल करने और उसको अच्छे से चलाने के लिए डायलिसिस तकनीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायलिसिस क्या है और डायलिसिस तकनीशियन किसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप डायलिसिस तकनीशियन बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। डायलिसिस तकनीशियन बनने के लिए 12th साइंस के बाद मैंडी दो कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें पहला है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जिसको DDT भी कहा जाता है, और दूसरा है BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जिसको BDT कहा जाता है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स होता है, जबकि BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी 3 साल का कोर्स होता है। दोनों कोर्सेज को करने के लिए आपको 12th साइंस PCM या फिर PCB से कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हम फीस की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स के लिए 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच में फीस रहती है, जबकि BSc कोर्स के लिए 20,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की फीस रहती है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो आप डिप्लोमा लेवल का कोर्स करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 10,000 के करीब रहेगी, और अगर आप BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 के करीब रहेगी, और अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो उसमें और भी ज़्यादा सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं जॉब्स की। तो दोस्तों, डायलिसिस एक डिमांडिंग फील्ड है, जिसमें आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में काम कर सकते हैं। अगर जॉब पोस्ट की बात करें तो डायलिसिस थेरापिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन और आप टीचर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने डायलिसिस टेक्नीशियन कैसे बने उसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर इस वीडियो को लेके या फिर करियर को लेके किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा gmail ID जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। मैं हो सके उतना जल्दी से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, इस प्रकार से एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।